नमस्कार दोस्तों, मैं विजेपी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम सीखेंगे कि अगर आपका सिस्टम ऑटोमेटिक अपडेट हो रहा हो और आपका एमबी बार बार खत्म हो रहा हो, ज़्यादा से ज़्यादा एमबी लग रहा हो अपडेट करने में, ऑटोमेटिक अपडेट हो रहा हो, और अगर आप नहीं चाहते कि अपडेट हो, आप अपडेट करना नहीं चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना है, चलिए चलते हैं, सीखते हैं, आज देखते हैं। तो उसके लिए आपको जाना होगा, देखिए नीचे नीचे एक फ्लैग का ऑप्शन है, फ्लैग पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप फ्लैग पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा ओपन एक्शन सेंटर, इस पर क्लिक कीजिएगा। इसे मैं बड़ा कर देता हूँ। इस देखिए यहाँ पे आ जाएगा, आप कंट्रोल पैनल में जाके, ऑल कंट्रोल पैनल आइटम में जाके एक्शन सेंटर पे जा सकते हैं डायरेक्ट। मैं डायरेक्ट ओपन किया हूँ, आप ये सब चूज कर सकते हैं, कंट्रोल पैनल, ऑल प्रोग्राम आइटम और एक्शन, ठीक है, एक्शन सेंटर। मैं फिर से जाता हूँ, फ्लैग पे क्लिक कीजिए, ओपन एक्शन सेंटर, और इसमें बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है विंडोज़ अपडेट इम्पोर्टेंट, ठीक है, विंडोज़ अपडेट सिक्योरिटी, विंडो अपडेट्स का ऑप्शन है। यहाँ पे देखिए चेंज सेटिंग पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे चूज कीजिए लेट मी चूज, यानी मुझे चूज करने दो, इंस्टॉल खुद मत करो, इंस्टॉल अपडेट्स ऑटोमेटिक नहीं, मुझे खुद चूज करने दो, यहाँ चूज कीजिए लेट मी चूज। तो मैं खुद चूज करूंगा भाई, यहाँ पे आइए, यहाँ पे देखिए इंस्टॉल अपडेट ऑटोमेटिकली, नहीं 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 नहीं, चेक फॉर अपडेट बट इट चूज व्हेन आवर डाउनलोड, एंड नहीं नहीं नहीं, नेवर चेक फॉर अपडेट, कभी नहीं आप अपडेट करेंगे खुद से ऑटोमेटिकली, नहीं, नॉट रिकमेंडेबल। क्लिक कीजिए, ओके कीजिए, आपका सिस्टम ऑटोमेटिक अपडेट कभी नहीं होगा। आप जब एक नया विंडोज चढ़ाते होंगे तब एक प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ा होगा, मतलब आपके पास जियो का या कुछ भी बहुत कम एमबी है, आप देखे अरे एमबी कसम खत्म हो गया, पता लगा कि विंडोज अपडेट करने में टाइम वेस्ट हो गया, एमबी खत्म हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बंद कर दीजिए विंडोज को आप, क्योंकि कॉपी विंडो यूज़ कर रहे होंगे, पेड वाला तो यूज़ करेंगे नहीं, आप 100-200 में मार्केट से लाए होंगे, तो इससे आपका विंडो भी इफेक्ट पड़ सकता है। इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, धन्यवाद।